मध्य प्रदेश में भाजपा का गुंडा राज जारी है। नीट परीक्षा से लेकर कॉलेज में नर्सिंग घोटाले को लेकर भाजपा सरकार कटघरे में खड़ी है, लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी भाजपा सरकार खुद को बेदाग बताती है। लेकिन भाजपा सरकार की गुंडागर्दी का एक और मामला प्रदेश के आगर मालवा जिले से सामने आया है, जहां खुद भाजपा विधायक ने एक आम इंसान पर प्राण घातक हमला कर दिया है, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है। दरअसल आगर मालवा से पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि जिले के बड़ौद में पिछले दिनों सुनील व्यास पर भाजपा विधायक मधु गहलोत के लोगों ने जानलेवा हमला किया। इस मामले में पुलिस दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की गई, साथ ही घटना को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। पीड़ित के भाई मुरली मनोहर ने बताया कि उसके भाई पर विधायक मधु गहलोत के लोगों ने प्राण घातक हमला किया और उनके परिवार को धमकाया जा रहा है। पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े का कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मामले में एडिशनल एसपी निशा रेड्डी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, पीड़ित अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, बयान के आधार पर कार्रवाई करेंगे। वहीं घायल सुनील व्यास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह वर्तमान भाजपा विधायक के भेजे गए लोगों पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बयान को वानखेड़े ने माइक पर भी सुनाया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस के तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद भी भाजपा खुद को बेदाग बताएगी और मध्य प्रदेश में भाजपा का गुंडा राज जारी रहेगा। अब देखना होगा कि भाजपा के दबाव में काम कर रहा जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है।